और चलिए पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली फिलहाल भंग कर दी गई है। राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग करने का आदेश पारित कर दिया है। जी हां, संसद में अब पाकिस्तान में अब चुनाव कराए जाएंगे। 90 दिन के अंदर ही नेशनल असेंबली के चुनाव होंगे। आपको बता दें, इमरान की संसद के आधे घंटे बाद ही असेंबली भंग हो गई है, क्योंकि जब इमरान खान ने संबोधित किया था तो अब राष्ट्रपति से उन्होंने मांग की थी संसद भंग करने की। और देखिए कि इमरान की संसद को संबोधन के बाद ही संसद को आधे घंटे बाद ही असेंबली यहां पर भंग कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां इमरान खान ने पासा पलटा है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है, अब पाकिस्तान में चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि इमरान खान ने पहले ही विपक्षियों को इस बात के लिए कहा था कि एक बार फिर से चुनाव हो जाए, लेकिन जब विपक्षी नहीं माने तो यहां पर इमरान खान ने अपना आखिरी दांव खेला है और राष्ट्रपति से अपील की थी, संसद भंग करने की मांग की थी। राष्ट्रपति ने आधे घंटे के भीतर मांग को स्वीकारते हुए संसद भंग कर दी है और अब पाकिस्तान में 90 दिनों के भीतर एक बार फिर से चुनाव होंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इमरान के खिलाफ अविश्वास।